हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। छपाक और तानाजी की जंग आपने देख ली, कैसे दीपिका पादुकोण बॉक्स ऑफिस पर छपाक छपाक करती रह गई और अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर ने जंग जीत ली। दरबार और छपाक जैसी बड़े ब्रांड की फिल्मों से क्लैश करने के बाद भी तानाजी द अनसंग वॉरियर ने 5 दिनों में भारत में लगभग 91 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इससे एक बात फिर सिद्ध हो सकती है, औरों के लिए चाहे जो हो, अजय देवगन के लिए बॉक्स ऑफिस क्लैश उनका प्लेग्राउंड है जहां वो हमेशा विजेता के रूप में उभरे हैं। अजय देवगन बॉक्स ऑफिस क्लैश के उस्ताद कैसे बने, इसके लिए आपको 10 साल के अजय देवगन के फिल्मों के इतिहास में ले चलते हैं, फिल्मों के क्लैश को बताते हैं और साथ ही कमाई का आंकड़ा भी। शुरुआत करते हैं साल 2010 से, जब उन्होंने एक छोटी बजट की मूवी अतिथि तुम कब जाओगे में काम किया। अश्विनी धीर द्वारा निर्देशित ये फिल्म 2010 में कई अन्य छोटी बजट की फिल्मों के साथ मार्च में रिलीज हुई थी और बहुत कम ही लोगों ने अजय देवगन की मूवी के सफल होने का अंदेशा जताया था। लेकिन फिल्म के चुटीले व्यंग्य और परेश रावल के साथ उनकी बेहतरीन जुगलबंदी ने मूवी को स्लीपर हिट का स्टेटस दिलाया। उसी वर्ष अजय देवगन की दीपावली पर अक्षय कुमार के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ, जब गोलमाल 3 के साथ साथ एक्शन रिप्ले रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में ऊटपटांग, जिसे फिल्मी भाषा में स्लैपस्टिक कॉमेडी के जॉनर की फिल्में थी, और दोनों ही बड़े बजट की फिल्में थी। लेकिन अजय देवगन की गोलमाल 3 ने यहां भी अक्षय कुमार को पछाड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ रुपए डोमेस्टिक कलेक्शन में कमाए। फिर 2012 में एक बार फिर अजय देवगन का बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ। मौका दिवाली का ही था, लेकिन इस बार प्रतिद्वंदी किंग खान शाहरुख खान थे, जहां अजय देवगन सन ऑफ सरदार के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश के लिए तैयार खड़े थे। तो वहीं शाहरुख खान यश चोपड़ा की अंतिम फिल्म जब तक है जान के साथ बॉक्स ऑफिस पर फतेह पाना चाहते थे। कई विशेषज्ञों का मानना था कि शाहरुख खान की फिल्म के सामने अजय देवगन कहीं नहीं टिकने वाले हैं, लेकिन सबकी उम्मीदों को धता बताते हुए अजय देवगन ने न केवल शाहरुख खान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सेंध लगाई, बल्कि बॉक्स ऑफिस क्लैश में 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने का कीर्तिमान भी रचा। पर बॉलीवुड के कुछ सितारों ने तब भी कोई सीख नहीं ली और एक बार फिर अजय देवगन को बॉक्स ऑफिस क्लैश से 2-4 होना पड़ा। एक बार फिर मौका था दिवाली और इस बार सामने थे रणबीर कपूर, लेकिन इस बार बॉक्स ऑफिस पर यह क्लैश सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि वैचारिक भी था। फिल्म के रिलीज से कुछ ही महीने पहले उरी हमले के जवाब में भारत के सिनेमा संगठनों ने पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड में काम करने पर बैन लगाया था, जहां रणबीर कपूर अभिनेता ए दिल है मुश्किल की पूरी टीम ने इस निर्णय का विरोध किया। तो वहीं अजय देवगन ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि कला अपनी जगह है, पर सैनिकों का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उन्हें अकेला छोड़ना राष्ट्रहित में नहीं है। परिणाम स्वरूप अजय देवगन की शिवाय ने एक बार फिर ए दिल है मुश्किल के कलेक्शन में सेंध लगाई और फिल्म ने कुल मिलाकर 125 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए कमा लिए। लेकिन बॉक्स ऑफिस क्लैश ने अजय देवगन का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार फिर अजय देवगन को दिवाली पर बॉक्स ऑफिस क्लैश से 2-4 होना पड़ा और इस बार उनके सामने कोई और नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से पहचाने जाने वाले आमिर खान थे, जिनकी सीक्रेट सुपरस्टार में एक अहम भूमिका थी। आमिर खान दंगल की अप्रत्याशित सफलता से अभिभूत थे और विशेषज्ञों के अनुसार उन्हें हराना अजय के बस की बात नहीं थी। लेकिन अजय ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस विशेषज्ञों को धता बताते हुए गोलमाल अगेन को ब्लॉकबस्टर बना ही दिया। वहीं सीक्रेट सुपरस्टार भारत में महज 64 करोड़ रुपए ही कमा सकी, तो वहीं गोलमाल अगेन ने भारत में 211 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। शायद छपाक के निर्माताओं ने अजय देवगन के प्रोफाइल पर ध्यान देने का कष्ट नहीं उठाया था। दीपिका पहली बार प्रोड्यूसर बनी थी, उन्हें एक बार को सोचना चाहिए था कि उन्हें ये गलती दोहरानी नहीं चाहिए, इसलिए उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कॉस्ट रिकवर करने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। वहीं तानाजी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बात जब बॉक्स ऑफिस क्लैश की हो तो अजय देवगन का कोई तोड़ नहीं है। रिस्पेक्टफुल भूमिका है इन द फिल्म, साथ ही आपको बहुत ही डेयर डेविल स्टंट्स भी हम करते देख रहे हैं, तो किस तरीके से उस चीज की प्रिपरेशन की और कितना स्पेशल है ये फिल्म आपके लिए? आई थिंक ये फिल्म अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग 100 फिल्म, वैसे ही इतनी स्पेशल है क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब आप कोई फिल्म करते हैं, जैसे तानाजी जैसी फिल्म करते हैं, जब तानाजी की आप भूमिका निभाते हैं जो कि एक इतने बड़े वॉरियर हीरो रह चुके हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे शरद कह रहा था कि शिवाजी राजे जब करते हैं तो यू नो
तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे कैरेक्टर्स को किसी गलत तरीके से पोर्ट्रे ना करें. तो सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. एक्शन करना, स्टंट्स करना, अब काफ़ी मारे भी लगी हुई हैं, रोहित को भी पता है, इस वक्त मेरे पैर में भी बहुत तकलीफ है, लेकिन करना पड़ता है, तो उसके लिए मेहनत करके कर लेते हैं. Hi Ajay, this side, left, here, this side, yeah. Trailer is awesome. मेरे ख्याल से ये एक इतिहास बनाएगी पिक्चर. अजय ये जानना है, 30 साल पहले आपने सपना देखा था, तो 30 साल रोक पाना और उस पर किस तरीके से आपने काम किया था जो अब साकार करने का सोचा? जब हम सपने की बात करते हैं तो जब हम डिस्कस करते थे, हम ये डिस्कस करते थे कि हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, हमारे पास वो उस किस्म की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है. और सपना यही था कि किसी दिन हम इस किस्म की फिल्में बना सकें जो कि हम एट पार बाहर की फिल्मों के सामने खड़े रह सकें और बोलें कि देखिए हमारे पास बजट आपसे आधे से भी कम है, लेकिन फिर भी हम आपके लेवल तक पहुंच सकते हैं या शायद. तो सपना यही था क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास अगर इतने बजट में अगर हम ये क्वालिटी ला सकते हैं तो आप सोचिए कि हमारे टेक्नीशियन कितने ज़्यादा बेहतर होंगे. तो ये मुझे लगता है और यही सपना था कि उन सबको सामने ला के हम ऐसी क्वालिटी दिखा सकें. एक एक वक्त आएगा और जब हम ये सपने की बात करते हैं तब तो फिल्म में आपको पता है कि किस क्वालिटी की भी बनती थी. कोशिश तब भी लोग करते थे लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो अब वो आ गई है. तो अब लोग मेहनत कर रहे हैं, अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो ये जो आप देख रही हैं ये आज साकार करने में उन सब का बहुत बड़ा हाथ है. आई थिंक सोचना तो ये इस बारे में ओम ने सोचा और ओम ने बहुत मेहनत की इस पे. जब ओम ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाया, मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया, फिर उसके बाद हम बैठ गए इसको कि इस लेवल तक कैसे लेके जा सकें. और लकीली मेरे पास हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है NYVFX वाला, जिनका काम आपको नज़र आता ही है और आज तक नज़र आता ही आया है. तो आई थिंक इन सब ने मिल के ये चीज़ें पूरी कर पाए. ओम ट्रेलर आवडला, इम्प्रेसिव्ह आहे अगदी. ओम इकडे 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 इकडे. ओके थँक यू. या सब्जेक्टसाठी केलेला स्टडी, मेहनत, अभ्यास याबद्दल थोडस पाहिजे. खूप डिटेल्स मध्ये गेला असणार या सब्जेक्टसाठी. हा बहुत मेहनत की, बहुत स्टडी किया, बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारी पेंटिंग्स के ऊपर से इंस्पिरेशन ली है. एंड वी स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी इन 2015. When we started writing this film, Mr. Prakash Kapadia, who's the, as I say, that you know, Chite ki chaal, baaz ki nazar aur baaji rao ki talwar jo line likhi hai, Prakash Kapadia ke kalam par koi sandeh nahi karte. Mr. Prakash Kapadia came on board, Prasad Sutar was here, and we started this doing ultra research on the smallest of the aspects of the film. Har ye duniya banani padti hai, ye world banana padta hai. 1670 kisi ne dekha nahi hai. तो 1670 में वर्ल्ड कैसे था, वो वर्ल्ड क्रिएट करने में हमने बहुत टाइम निकाला. एंड ऐसे करते 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 बहुत सारी बुक्स से रेफरेंसेस लेके, बहुत सारी पेंटिंग्स से रेफरेंस लेके, वी केम टू अ पॉइंट वेयर वी कुड डू व्हाट वी कुड डू. सैफ, आंसर योर क्वेश्चन सर. सैफ आपके लेफ्ट में, इधर यहाँ पे, राइट में सॉरी. सबसे पहले तो तारा जी की बात करें तो बहुत टाइम के बाद हम एक बेहतरीन 3D फिल्म देखने वाले हैं, जिस तरह से हमें देखने को मिला. और सैफ, अगर हम आपके किरदारों की बात करें तो आपने कई सारे शेड्स निभाए हैं, बट उदय भान का किरदार एक बहुत ही अलग लेवल का है, उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी? बिकॉज वो एकदम अलग, आपकी पर्सनैलिटी से टोटली अलग है. यू नो, मुझे इतना मज़ा आया फिल्म करते वक्त. हमने करियर में काफ़ी मेहनत की है, लाइव लोकेशंस में जाकर और यू नो बैक ऑफ बियॉन्ड में शूटिंग की है. तो हम लोग सुबह उठ के, मैं ड्राइव करता था, नो ट्रैफिक, स्ट्रेट टू फिल्म सिटी. वहाँ पे दो बड़े सेट लगे थे अजय देवगन फिल्म्स, एयर कंडीशनर चला हुआ था और सब ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन चारों तरफ. हाँ, ओ नो, आई डोंट नो, बट तो मुझे इतनी कंफर्टेबल शूट थी. और हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने इतना फोकस किया मेरे ऊपर और एक मौका दिया कि एक, दो, दस, पंद्रह टेक
हम लोग करते थे वहाँ पे 27 हम लोग मेहनत करते थे उसको इम्प्रूव करते थे कभी कभी 20 टेक 25 टेक भी किए हैं तो ऐसा 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 मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है और हमने उसको इम्प्रूव किया हमने और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टेक सेकंड टेक अच्छे नहीं थे लेकिन हम एक परफेक्शन के पीछे पड़े थे हमने बहुत बहुत इतनी मेहनत मैंने ये अपनी परफेक्शन के पीछे पड़े थे लेकिन अल्टीमेटली फर्स्ट टेक या सेकंड टेक ही ओके लगे हुए लेकिन बेसिकली डायरेक्टर ने बहुत बहुत मदद की मेरी और फॉर यू टू ओनली डू सो मेनी टेक्स विद सो मच एनर्जी आई गेस टू मच फन आई हैड टू मच फन इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इट वाज अ लिटिल क्रेजी कैरेक्टर एंड इट वाज ब्यूटीफुल फन रियली हेलो अजय सर हाय हेलो हाय हाय अजय सर हाय फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ही शानदार धमाकेदार ट्रेलर है और सभी को आई होप बहुत पसंद आया होगा जय भवानी जय शिवानी जी सो जैसा कि हमने बताया काफ़ी बुक्स से लिया गया काफ़ी ड्राइंग्स रही काफ़ी पेंटिंग्स रही उससे काफ़ी कुछ निकाला गया इस तरह के प्रेप रही आपकी क्या प्रेप रही इस ताना जी के किरदार वही जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया प्रेप मेरी आई फॉलोड माई डायरेक्टर और देखिए जो हमने पढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कैसे वो बिहेव करते थे ताना जी कैसे वो क्या करते थे वो बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है तो वो आपको एक इमेजिन करना है और वो डिग्निटी मेंटेन करके करना है बेसिकली जिस तरह हमने देखा ट्रेलर बाहुबली से भी हम कंपेयर कर सकते हैं आपके नहीं मैं नहीं चाहूँगा कि हम किसी फिल्म से कंपेयर करें हमारी फिल्म अलग है हमारी फिल्म अलग कहानी कह रही है तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अच्छा काम कर लें तो दैट्स